नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ एकदम चटपटा और हेल्दी सेवैया उपमा तो इसके लिए मैंने डाला है एक चम्मच ऑयल कढ़ाई में आप इसके जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद एक कप सेवैयाँ डाल दी है इसे बर्मसली भी बोलते हैं तो इस तरीके से डालने के बाद हम इसे बराबर चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसे भून लेंगे आप इस तरीके से अलग अलग नाश्ते ट्राई करते रहिए बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को भी रोज़ रोज़ हम इडली डोसा या फिर पोहा बना बना के बोर हो जाते हैं तो इस तरीके का सेवैयाँ उपमा बना के देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो बातों ही बातों में यहाँ पे सेवैयाँ है भुन चुकी है अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ तो यहाँ पे देखिए भुनने के बाद ये हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है अगर आप सेवैया को इस तरह पहले भुन के उपमा बनाते हैं तो अब उसी फ्राइंग पैन में मैंने दो कप पानी डाला है उसे अच्छे से बॉयल कर लिया है एक कप सेवैया के लिए मैंने दो कप पानी डाला है पानी को बॉयल करने के बाद ही आपको ये सेवैया इसमें डालनी है इसी डालने के बाद गैस की फ्लेम को आपको मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक इसे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे और ये देखिए पकाने के बाद ये बिल्कुल अलग अलग सी पक गई है और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लेती हूँ इस तरीके का कोई स्टेनर या जाली वाली प्लेट हो तो आप उसमें इसे डाल दें और उसके बाद इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये जो कुकिंग का प्रोसेस है यहीं पर रुक जाए और इस तरीके से आप सेवैयाँ उपमा बनाएंगे तो बहुत ही खिली खिली सेवैयाँ अलग अलग सी रहती हैं और उपमा बहुत ही टेस्टी बनता है ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसे इसी तरीके से छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से पानी ड्रेन हो जाए यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है उसमें एक चम्मच ऑयल डाल दिया है उसके बाद हम डाल देंगे टू टेबल स्पून मूँगफली के दाने एक अच्छी मूँगफली है इसे हम भुन के डालेंगे और मूँगफली सबके घरों में अवेलेबल होती है इसलिए मूँगफली डाली है मैंने आपके पास अगर मटर है तो मटर भी डाल सकते हैं जो हरी मटर आती है उसकी बात कर रही हूँ मैं उसके बाद हम डालेंगे एक चम्मच चना दाल यहाँ पे अगर आप राई के दाने पसंद करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाल सकते हैं प्याज डालने से पहले और अब मैंने डाला है एक बारीक कटा हुआ प्याज प्याज डाल के इसे इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो चला जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाएँ तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को भून लिया है एक हरी मिर्च डाल देंगे आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं तो इन सारी चीज़ों को मैंने भून लिया है अब डालेंगे बाकी की चीज़ें एक गाजर डाला है मैंने जिसे मैंने बारीक कट करके डाला है आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो ये देखिए ये सारी चीज़ें उपमा को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना देंगी इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च आपके पास अगर फ्रोजन मटर है तो आप इस टाइम पे मटर को भी डाल सकते हैं इन सारी चीज़ों को डालने के बाद दो से तीन मिनट तक हम सब्जियों को भून लेंगे क्योंकि सब्जियों को हमें हल्का सा पकाना है बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है यहाँ पर मैंने करी लिप्स डाल दिया आपके पास करी लिप्स है तो आप इसे ज़रूर डालें और इसे डालने के बाद मैं अच्छे से इसमें भून दे रही हूँ इस तरीके से चलाते हुए तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर तो एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे टमाटर पूरी तरह से ऑप्शनल है आपको पसंद है तो डालें नहीं तो इसके बिना भी आप उपमा बना सकते हैं तो ये देखिए टमाटर डालने के बाद सारी चीज़ों को अब मैं इस तरीके से भून के उसके बाद मैं ग्रेट किया हुआ अदरक डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां और टमाटर थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाए बहुत ज़्यादा इसे सब्जी की तरह आपको नहीं पकाना है बस हल्का सा सॉफ़्ट कर देना है इसके लिए मैंने इसे ढक दिया है और दो मिनट तक इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ दिया था अब ये सारी सब्जियां बहुत अच्छे से पक चुकी हैं इसे हम एक बार चला लेंगे ये देखिए इस तरीके से टमाटर भी गल चुका है और अब हम डालेंगे सेवियाँ तो ये देखिए जो सेवैयाँ है आप इस तरीके से देखिए बिल्कुल अलग अलग हो रही हैं इसको बहुत अच्छे से हमने ड्रेन किया है पानी सारा निकाल लिया है और अब देखिए इसमें डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिला लेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा चाट मसाला ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं पर आप इस तरीके से बनाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी इसमें बिना मसाले का यूज़ किए हुए बनाइए बहुत ही अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है और अब हम डाल देंगे नींबू का रस मैंने खट्टेपन के लिए टमाटर डाला है पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे ना बहुत ही चटपटा बन के तैयार होगा तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को डाल दिया है और बहुत अच्छे से मैंने मिला लिया है तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है और अब हम करेंगे गैस की फ्लेम को बंद और इस पे डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया नाश्ते की जान होती है हरा धनिया और जब आप किसी सब्ज़ी में या फिर किसी भी रेसिपी में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है सेवरिया उपमा को ये देखिए और बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार हुआ है आप मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचेगी और आप उसे तुरंत देख पाएंगे तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर